गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है द स्टडी अड्डा पर। और इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। चैप्टर साउंड का ये हमारा क्वेश्चन है और साउंड वेव जो ट्रैवल करती है किसी एक स्पीड पर, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। एक साउंड वेव है जो ट्रैवल कर रही है एक स्पीड पर, स्पीड कितनी दी हुई है 339 मीटर पर सेकेंड। तो ये मैंने यहाँ पर नोट कर लिया। इफ़ इट्स वेवलेंथ, और इसकी वेवलेंथ कितनी है, इसकी वेवलेंथ है 1.5 सेंटीमीटर। तो वेवलेंथ कितनी दी हुई है। अच्छा, स्पीड को मैं एस की जगह वी से लिख लेता हूँ, ठीक है। स्पीड को हम किससे लिख लेंगे, वी से लिख लेंगे। तो ये वी इसका नोटेशन दे दिया। वेवलेंथ हमारी क्या हो जाएगी, 1.5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करेंगे, तो मीटर में चेंज करने के लिए इसको डिवाइड बाई 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा 0.015 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया 0.015 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी होती है, फ्रिक्वेंसी क्या होती है बेटो, फ्रिक्वेंसी होती है बच्चों स्पीड अपॉन वेवलेंथ। तो ये स्पीड को हम वी से लिखेंगे, तो वी अपॉन लेमडा। तो वी की वैल्यू दी है 339, और ये हो गया लैम्डा 0.015। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए किस तरह से आप सॉल्व करेंगे, सिंपल ये सॉल्यूशन यहाँ पर आपका दिया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन को, तो क्या चीज़ है, वेलोसिटी दी हुई है, स्पीड दी है, वेवलेंथ सेंटीमीटर में दी है। तो 10^-2 मतलब वही है, 100 से डिवाइड किया, तो 100 से डिवाइड किया तो जो आएगा उसको फ्रिक्वेंसी होती है स्पीड अपॉन वेवलेंथ, और सॉल्व करके आपका आंसर आ गया 22,600, ठीक है, 22,600। तो ये आ जाएगा, यानी कि ये जो फ्रिक्वेंसी है, विल इट बी ऑडिएबल, क्या ये फ्रिक्वेंसी हम सुन सकते हैं। तो हम जो फ्रिक्वेंसी सुन सकते हैं, ऑडिएबल रेंज जो होती है वो कितनी होती है, 20 हर्ट्ज़ से लेकर के 20,000 हर्ट्ज़ तक, 20 हर्ट्ज़ से लेकर कहाँ तक, 20,000 हर्ट्ज़ तक। तो अब इस फ्रिक्वेंसी को अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो ये जो फ्रिक्वेंसी आई है सॉल्व होके 22,600 है, जो कि 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा है। तो ये यहाँ पर ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है, मोर है, तो इसको हम नहीं सुन सकते, इट विल नॉट बी ऑडिएबल एज ह्यूमन रेंज। ह्यूमन रेंज में ये ऑडिएबल नहीं है, क्योंकि हम केवल 20,000 तक ही सुन सकते हैं। क्लियर है, सही है। तो ये आंसर आप नोट कर लेंगे, और चैनल पर अगर आपको और भी क्वेश्चंस के आंसर देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और आप जो है फेसबुक पर द स्टडी अड्डा के पेज से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और लगातार वहाँ पर भी आपको जो है अपडेट्स मिलते रहते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।